हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू दिस न्यू वीडियो ऑफ चैनल ड्राइविंग कॉर्नर। दोस्तों मेरा नाम है तरुण चौधरी और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के एक नए एक फ्रेश व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं यहाँ पर संजीवन जा रहे हैं और बहुत मस्त ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। हमारे पास है MTV साइकिल्स और MTVs होने के बाद अगर हम ऑफ रोड ना करें तो हमारे MTV होने का फ़ायदा ही क्या है, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं संजीवन। संजीवन में ऑफ रोड ट्रेल काफ़ी अच्छा है और फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी होगी। फोटोग्राफी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @drivingcorner और परवीन को भी mineral_Parveen पे आप जा करके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं। आज एक बड़ा मस्त सेटअप रेडी किया है, मोटो व्लॉगिंग टाइप को लगेगा और मज़ा आने वाला है, तो मिलेंगे रास्ते में। आज भाई ज़्यादा तेज नहीं जाएंगे, कल हमने बहुत तेज चला लिया। Like you, be strong, to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. यार यहाँ से हम अभी हम संजीवन के अंदर में आ चुके हैं। यहाँ से जो है ऑफ रोड टू ट्रेल वो स्टार्ट होता है और काफी बढ़िया ट्रैक है यहाँ पे, आपको काफी मजा आने वाला चलाने के अंदर। तो बेसिकली इसके बारे में अगर यहाँ पर हम कुछ बात कर लेंगे संजीवन की क्या स्पेसिफिकेशन है क्या है, तो पहले बता दो कि ये भाई दिल्ली की हॉन्टेड प्लेस में आता है। मतलब दिल्ली में काफी सारे लोग उसको हॉन्टेड प्लेस में करते हैं, नाइट में आकर व्लॉग शूट करते हैं और काफी ज्यादा इतना बड़ा है, मुझे एग्जैक्ट तो मालूम नहीं, करीबन ये आपका 450 एकड़ के करीब ये आपका पूरा जो संजीवन है वो फैला हुआ है और काफी अच्छा इलाका है। मतलब इतना गजब का इलाका है संजीवन के बारे में क्या बताऊँ आपको। इसके अंदर आपका यहाँ पर 20 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का इंटरनल आपको यहाँ पर ऑफ रोड ट्रेल मिल जाता है। आप काफी ज्यादा बेहतर ऑफ रोड यहाँ पर कर सकते हैं और इतनी बेस्ट प्लेस है। अगर आप आए इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको 4 गेट मिल जाएंगे आने के लिए। पहला आपका कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया की तरफ से पड़ेगा जो कि मोस्ट फेमस रोड है और सारे मोस्टली लोग उधर से ही आते हैं और लोग वॉक भी करते हैं, ऐसा कुछ हॉन्टेड इसमें है नहीं, खाली लोगों ने एक मिथ बना रखा है। और एक आपको JNU के साइड से मिल जाएगा, एक आपको कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया की तरफ से मिल जाएगा और एक अगर आप बात करेंगे तो वो आपको लाडो सराय की तरफ से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस वन में अगर हम बात करेंगे ऐसा वन नाम है, ऐसा कोई वन है नहीं है और काफी बढ़िया ऑफ रोड ट्रेल अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसके अंदर हमें ऑफ रोडिंग का जो मजा है वो लेने को मिलेगा। तो ऑफ रोडिंग के मामले में अगर यहाँ पे बात करूँ तो इतना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ रोड नहीं है, हाँ लेकिन इसको कुछ जगहों पर काफी ज्यादा रिज बना रखी है जहाँ आप ऊपर जा सकते हैं। संजीवन के अंदर आपको काफी सारे ऐसे स्पॉट देखने को मिल जाएंगे जो फोटोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, पूरे ऑल ओवर दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे शॉट नहीं मिलेंगे। मैं आज स्क्रीन पर कुछ यहाँ पर फोटो लगाया तो आप देख सकते हो, आपको इस तरह के कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ्स आपको लेने को मिलेंगे अगर आप इसके अंदर यहाँ पर जाएंगे। और काफी बढ़िया ट्रेल है, मतलब अगर आप ऑफ रोड एक ग्रुप राइडिंग पर आते हो, साइकिलिंग ग्रुप अगर आपने किसी ज्वाइन कर रखा है या आप किसी साइकिलिंग ग्रुप में राइड करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बार तो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इस तरह की प्लेस शायद ही दिल्ली में मैंने कहीं देखी है और ऑफ रोड बढ़िया है। अगर आप अपनी नॉर्मल साइकिल से आते हैं तो बिल्कुल यहाँ मत आइए क्योंकि आपको कोई ना कोई दिक्कत इसमें जरूर हो सकती है चलाने में। अगर आपके पास MTV साइकिल जिसके अंदर शॉकर होता है तो ही आप आए। तो ट्रेल काफी डिफिकल्ट नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम में इसको लूंगा क्योंकि जो हार्ड ट्रेल होता है उसमें काफी सारे पत्थर होते हैं, इसमें इतने ज्यादा मुझे पत्थर नहीं लगे लेकिन कुछ कुछ जगह पे इसमें क्लाइंब करने के लिए मतलब ज्यादा चढ़ाई आ रही थी तो वहां पर दिक्कत थोड़ी बहुत चलाने में हो रही थी। तो अभी रास्ते तो हमको मालूम नहीं है, आप बस इस नज़ारे को एंजॉय करो। और अगर आपको कुछ पूछना है इस जगह के बारे में या कुछ वीडियो के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।
साइकिलिंग करते करते अभी एक बड़ी एक्साइटिंग लोकेशन पर आए हैं। देखना चाहोगे? मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको कहाँ पर है। तो लोकेशन मैं बता देता हूँ, अभी हम संजय वन में, आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि हम संजय वन आ रखे हैं, और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। मेरे पीछे नज़ारा देखो एक बार, इट्स अ पैराडाइज इन दिल्ली। सच में यार लोकेशन इतनी ज़्यादा शानदार है कि आप पूछो मत इसके बारे में, जितना बोलो उतना कम। मेरा पीछे से दिखा, तो उधर देखो कितना ब्यूटीफुल ऑरिजन सा बन रहा है, और उधर में घर है। इस साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको कुतुब मीनार है, जूम करूँ तो दैट्स अ कुतुब मीनार। और कितना ब्यूटीफुल, मतलब राइड पे यहाँ आने का जो मकसद होता है ना, वो यहाँ पे आके सक्सेसफुल हो गया हमारा, और बहुत मज़ा आया यार। सच में यार लोकेशन की बात ही अलग है, मतलब अगर आप चला करके थोड़ा माउंटेन क्लाइंब करके ऐसी लोकेशन पर आ रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा डेफिनेटली। और ये लोकेशन तो माशाल्लाह है। तो यार आपने देखा, हम संजय वन के भी अंदर आए, हमने ऑफ रोडिंग ट्रेल तो चल ही रहा है, हमारा पूरा ऑफ रोड है ही है। मतलब हम जो टावर पर गए वहाँ से फोटोग्राफी करी, अगर आपने वो देखनी है आप मुझे इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, प्रवीण को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पर आईडी आ रही होगी। तो ऑफ रोड ट्रेल का एंजॉय करो, थोड़ी ड्रिफ्ट हम मार लेते हैं यहाँ पे। यार मेरी डिस्क वीक हो गई। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज हम गए संजय वन, हमने ऑफ रोडिंग करी, आपको भी दिखाई काफ़ी सारी ऑफ रोडिंग, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश मैं वीडियो में जरूर करी आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना काफ़ी सारे लोगों के साथ, अपने साइकिलिस्ट फ्रेंड किसी भी सर्कल में अपने इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि आप जैसे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। मिलेगा अगला एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।